अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल यम्मी फूड विद सना। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल और इजी बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट बर्फ़ी यानी कि नारियल की बर्फ़ी। तो चलिए देखते हैं इस बर्फ़ी की रेसिपी को। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है, गैस मैंने अभी ऑन नहीं किया है। अब यहाँ मैंने लिया है नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट, ये मैंने तकरीबन 3 कप लिया है। ये हम इस कढ़ाई में डाल देंगे और अब हम गैस को ऑन करेंगे और लो मीडियम फ्लेम पे इस नारियल के बुरादे को तकरीबन 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का हल्का सा इसे भून लेना है, वो भी एकदम लो फ्लेम पे। तो 2 मिनट हो गए हैं, नारियल हमारा अच्छे से भुन गया है, तो हमें इसका कलर चेंज नहीं करना था। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। तो यहाँ मैंने 1 कप चीनी डाल दी है और मैं अब दूसरा कप भी डाल रही हूँ, तो तकरीबन 2 कप चीनी हम इसमें डालेंगे। अब यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है और तकरीबन 1/2 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है। दूध को हम मिल्क पाउडर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर को हम दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि उसमें कोई भी लम्प्स ना रहे, और फिर हम वो मिक्सचर पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, चीनी, दूध, मिल्क पाउडर और नारियल का बुरादा हमने डाल दिया है। अब लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे कंटिन्यूसली ऐसे चम्मच हिलाते हुए पकाते जाएंगे। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि इसमें जो हमने चीनी डाली है वो चीनी अपना पानी छोड़ने लगेगी और ये मिक्सचर एकदम गीला होने लगेगा। तो तब तक हमें इसे पकाते रहना है और चम्मच को आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, वरना ये नीचे से चिपकने लग जाएगा और इसका कलर चेंज होने लग जाएगा। तो ये देखिए, चीनी अभी धीरे धीरे से पिघलने लगी है जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन अभी भी ये पूरी तरीके से नहीं पिघली है। तो अब इस पॉइंट में हम इसमें डालेंगे येलो फूड कलर, क्योंकि ये डालने से इसमें अच्छा येलो कलर आएगा। अगर आप चाहे तो इसे वाइट कलर की भी बना सकते हैं, बट येलो कलर दिखने में ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो येलो कलर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कलर इसमें इवनली मिक्स हो जाए। साथ ही में मैं अब इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, और उसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि इलायची पाउडर और कलर अच्छे से मिक्स हो जाए नारियल के साथ और एक इवन सा मिक्सचर तैयार हो जाए। तो ये देखिए, चीनी अभी पूरी तरीके से घुल गई है। तो अब हमें चीनी का पानी सुखाना है। हम इसे कंटिन्यूसली लो फ्लेम पे भूनेंगे तब तक जब तक कि ये मिक्सचर इकट्ठा नहीं होने लगे, ये एक आटे के जैसा गोला ना बनने लगे इसका, तब तक हम इसे पकाते रहना है। लगभग 10 से 12 मिनट आपको लग जाएगा। ये देखिए, हमारा मिक्सचर अभी हल्का हल्का इकट्ठा होने लगा है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है और 5 मिनट इसे लगेगा। तो बस कंटिन्यूसली आपको चम्मच चलाते जाना है और इसे हल्का हल्का भूनते रहना है। तो ये देखिए, हमारा मिक्सचर अभी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, लेकिन ये पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें डालूँगी घी। तो यहाँ 2 चम्मच भर के हम इसमें घी डाल देंगे। घी इसमें कम ही जाता है क्योंकि नारियल में ऑलरेडी ऑयल होता है जो अपना ऑयल रिलीज़ करता है, इसीलिए हम इसमें घी कम ही डालेंगे। घी डालने के बाद हम इसे अच्छे से भूनना है तब तक जब तक कि ये पैन छोड़ने ना लगे। 5 से 6 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। तो लगभग 10 मिनट हो गए हैं हमें इसे भूनते भूनते। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अभी इकट्ठा होने लगा है, ये अच्छे से भुन गया है और ये पैन भी छोड़ने लगा है। तो बस अब हमारे बर्फ़ी का मिक्सचर पूरी तरीके से रेडी हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अपना शेप होल्ड करने लगा है और इसने पैन छोड़ना भी शुरू कर दिया है। तो बस इस गरम बर्फ़ी के मिक्सचर को हम किसी टिन में या फिर अगर आपके पास प्लेट हो उसमें हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे ताकि बर्फ़ी का अच्छा शेप आ जाए। तो यहाँ मेरे पास स्क्वायर टिन अवेलेबल था, तो मैं उसका इस्तेमाल करूँगी बर्फ़ी को सेट करने के लिए, लेकिन उससे पहले हम इसे करेंगे ग्रीस। तो यहाँ मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ और घी को हम हाथों से अच्छे से इस पैन में फैला देंगे ताकि जब हम बर्फ़ी निकालें तो हमारी बर्फ़ी एकदम आसानी से निकल जाए। तो ये देखिए, मैं अच्छे से किनारे तक घी लगा रही हूँ। तो ये देखिए, हमारा पैन हमने ग्रीस कर लिया है और अब हम इसमें हमने जो बर्फ़ी का मिक्सचर प्रिपेयर किया है वो डालेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ चम्मच की मदद से, आप चाहे तो इकट्ठा भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ बर्फ़ी के मिक्सचर को डाल दिया जितना इसमें रिक्वायर्ड था। अब मैं इसे स्पैचुला से अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ ताकि ये बर्फ़ी का मिक्सचर अच्छे से इवनली इस पैन में स्प्रेड हो जाए। तो ये देखिए, मैंने बर्फ़ी के मिक्सचर को इस पैन में स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसे स्पून से स्मूद आउट करूँगी, ऊपर से हम इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। और बस अब हम इस बर्फ़ी को रख देंगे रूम टेम्परेचर पे तकरीबन 2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अगर आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी सेट करने रख सकते हैं। तो 2 घंटे हो गए हैं, मैंने इस बर्फ़ी को रूम टेम्परेचर पे ही रखा था। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी सेट कर सकते हैं। हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। अब मैं इसे थोड़े से सिल्वर पेपर के साथ डेकोरेट करूँगी। अगर आपके पास सिल्वर पेपर नहीं है तो आप इस पर कोई भी ड्राई फ्रूट चॉप करके डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी बर्फ़ी रेडी हो गई है। अब हम इसे कट करेंगे।
तो मैं इसे सेंटर में से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। फिर मैं इसके लंबे लंबे पीस कट कर लूँगी। तो अगर आप चाहे तो आप इसके स्क्वायर पीस भी कट कर सकते हैं, जैसी मर्जी चाहे आप इसे वैसे शेप में कट कर सकते हैं। तो ये देखिए बर्फ़ी के हमने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। तो अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी कोकोनट बर्फ़ी रेडी हो गई है। मैं आपको इसका एक पीस उठा के दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेट हो गई है, और जैसे कि आपने देखा इसे बनाना कितना आसान था। बस आधे घंटे में आप इतनी बढ़िया मिठाई आराम से बना सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरे ये कोकोनट बर्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल यमी फूड विद सना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।